इंडिया में किसी भी सेलिब्रिटी को जब भी हार्ट अटैक होता है। बड़ी खबर, जाने माने टीवी एक्टर नितेश पांडे का निधन हो गया है। नितेश की कार्डियक अरेस्ट के बाद 51 साल की उम्र में मौत हो गई है। या स्टेंट डलने की न्यूज आती है, या बाईपास सर्जरी होने की न्यूज आती है, एकदम से चारों तरफ बात होनी शुरू हो जाती है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। पिछले कुछ टाइम में हमने कई सेलिब्रिटीज के हार्ट अटैक में फंसने की न्यूज सुनी। सैफ अली खान, सुष्मिता सेन, राज कौशल, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्हें हार्ट अटैक हुआ। उनमें से कुछ टाइमली ट्रीटमेंट अवेल कर पाए और कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। क्या हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ किया जा सकता है? दवाइयों के अलावा हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हार्ट अटैक से हमारी दूरी बनी रहे? वो कौन से मॉडिफाइबल चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में चेंज कर दें तो हम एक हेल्दियर लाइफ लीड कर सकते हैं फ्री ऑफ हार्ट डिजीज। इस वीडियो में बात करेंगे। हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट की ब्लड वेसल्स में सडन और टोटल ऑक्लूजन हो जाता है। हार्ट में टोटल 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। इनमें से किसी भी वेसल का सडन और कंप्लीट ऑक्लूजन हार्ट अटैक कहलाता है। इसमें होता यह है कि उस ब्लड वेसल से, उस नाड़ी से, उस आर्टरी से सप्लाई होने वाली मसल्स की डेथ होने लगती है और इसी डेथ से होता है चेस्ट पेन। हार्ट अटैक के पीछे 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। एग्जाम्पल, अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज के होने की, हार्ट अटैक के होने की, तो मेरे चांसेस नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे और इसको मैं चाह के भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। मेल्स में हार्ट अटैक होने के चांसेस फीमेल्स के कंपैरिजन में, स्पेशली प्री मेनोपॉजल फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ये भी नॉन मॉडिफाइबल है, इसको हम चाह के भी, कितना भी अच्छा लगे, बुरा लगे, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। कुछ दूसरे तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीलियां करें तो चांसेस ऑफ लैंडिंग अप इनटू हार्ट अटैक हम कम कर ले जाते हैं। कुछ साल पहले बहुत ही फेमस स्टडी हुई थी जिसका नाम था इंटर हार्ट स्टडी। ये इंटर हार्ट स्टडी छपी थी लैंसेट नाम की जर्नल में, जो अपने आप में बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है। इस स्टडी में पाया गया टोटल 9 रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो पोटेंशियली मॉडिफाइबल हैं, यानी कि इनको हम मॉडिफाई करें, इनको अगर हम चेंज करें तो इससे हम हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकते हैं। ये 9 रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग के लिए कहा जाता है जितना ज्यादा आप स्मोक करते हैं उतना ज्यादा आप अपने हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाते चले जाते हो। पूरे दिन भर में 1 से 5 सिगरेट का कंजम्पशन हार्ट अटैक के चांसेस को 38% तक बढ़ा देता है, और अप टू 40 सिगरेट्स। ये रिस्क जैसे जैसे सिगरेट्स का नंबर बढ़ता है डायरेक्टली बढ़ता चला जाता है। एंड आफ्टर 40 सिगरेट्स द रिस्क increases to more than 900%। स्टडीज में पाया गया है कि अगर हम सिगरेट का कंजम्पशन आधा कर दें तो भी हार्ट अटैक के रिस्क कम होने लगता है। अगर आपको पहले से हार्ट डिजीज थी और आपको एस्प्रिन यानी कि खून पतला करने की दवा दी जा रही थी, तो दिन भर में महज 1 से 5 सिगरेट का कंजम्पशन ही एस्प्रिन की बेनिफिशियल इफेक्ट को 20% से कम कर देता है। अगर आपको किसी वजह से स्टैटिन चल रही थी, अगर आपको हार्ट डिजीज की वजह से फॉर एग्जांपल स्टैटिन चलाए जा रहे थे जिससे कि आपको फ्यूचर में कार्डियक इवेंट्स ना हो, तो दिन भर में 1 से 5 सिगरेट का कंजम्पशन ही स्टैटिन्स के बेनिफिट को 75% तक कम कर देता है। टोबैको का किसी भी फॉर्म में कंजम्पशन, चाहे आप चबा के खा रहे हो, चाहे आप स्मोक कर रहे हो, उसमें आप चाहे फिल्टर्ड सिगरेट ले रहे हो, चाहे आप अनफिल्टर्ड सिगरेट ले रहे हो, चाहे आप पाइप स्मोक कर रहे हो, चाहे आप सिगार स्मोक कर रहे हो, चाहे आप बीड़ी स्मोक कर रहे हो, टोबैको का कंजम्पशन हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर हार्ट है आपका। दूसरा रिस्क फैक्टर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। 140/90 से ऊपर की किसी भी तरह का नंबर किसी भी एज ग्रुप के लिए ठीक नहीं है। अगर लगातार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, या आपके हार्ट को या आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, हार्ट अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अक्सर हम लोग ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर के फॉर्म में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दिस इज नॉट विदाउट एनी रीजन, ऐसे ही नाम नहीं रख दिया है। दिस इज बिकॉज देर आर नो सिम्टम्स यूजुअली। ओनली वे टू फाइंड आउट दैट यू हैव हाई ब्लड प्रेशर और नॉट इज टू मेजर योर ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ चल रहा है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल किया जाना
नॉर्मलाइज किया जाना, उसको नीचे लेके आया जाना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंटिंग स्ट्रोक, फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज टू द किडनीज एंड आइज. ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स होते हैं और कुछ दवाएं होती हैं. इसमें अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हॉस्पिटल आए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा, दवा स्टार्ट हुई, घर गए, घर में कुछ दिन लेने के बाद दवा छोड़ दी कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी. दिक्कत होनी ही नहीं है. इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है अनटिल वन फाइन डे. वो वन फाइन डे कौन सा होगा? उस दिन जिस दिन आपको स्ट्रोक हो जाएगा या आपको हार्ट अटैक हो जाएगा. तो ब्लड प्रेशर को पीरियोडिकली मेजर करते रहें और इसकी दवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें. तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डायबिटीज़. डायबिटीज़ का होना हार्ट अटैक के चांसेस को अच्छा खासा बढ़ा देता है. डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ा हुआ रह सकता है. अब ये वेरियस रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, या तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा या इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर रखा हुआ है. जिस तरह का आपको डायबिटीज़ है इसके ऊपर डिपेंड करता है. ज़्यादातर केसेस में डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बाई चांस होती है, यानी कि किसी और वजह से टेस्ट और डायग्नोसिस बनी. बहुत सारे लोग अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ लेके सालों तक घूमते रहते हैं और उनका डायबिटीज़ यूजुअली पकड़ा ही तब जाता है जब वो किसी और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के वजह से हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ हार्ट अटैक. डायबिटीज़ हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है. इससे प्रीडिस्पोजिशन फॉर डेवलपिंग हार्ट अटैक एंड हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो अगर आपको डायबिटीज़ है इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए. अपनी दवाओं को बंद कभी मत करें, अपनी दवाओं को रेगुलरली लेते रहें, अपने शुगर कंट्रोल का ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल पे चेक रखें. चौथा रिस्क फैक्टर, डीरेंज कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल. नॉर्मली जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल देखते हैं उसमें हमारे सामने टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL इन सब की वैल्यूज आती है. ऐसा कहा जाता है कि लिपिड प्रोफाइल में एक पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं ApoB by ApoA1 रेशियो, यानी कि एपोलाइपोप्रोटीन बी और एपोलाइपोप्रोटीन ए का रेशियो. कहा गया है कि ये रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, यानी कि जिसमें ये रेशियो जितना ज़्यादा डीरेंज होगा उसमें हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा. बात आती है कि ये ApoB और ApoA1 का रेशियो होता क्या है. ApoB बेसिक सी यूनिट होती है उन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक का डिपोजिशन करा सकते हैं. ये एथेरोस्क्लेरोसिस कराने वाले लिपिड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो इनमें आता है हमारा VLDL, IDL और LDL. तो ApoB से जो हमको नंबर मिलता है वो बेसिक सा असेसमेंट हमें देता है कि बॉडी में कितनी क्वांटिटी है इन एथेरोस्क्लेरोटिक मॉलिक्यूल्स की. इसके कंपैरिजन में ApoA1 हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल का बेसिक सा यूनिट है. इस नंबर से हमें बेसिकली पता चलता है कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के पीछे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो कैसा ऑपरेट कर रहा है. इन केस अगर ये ApoB और ApoA1 का रेशियो ज़्यादा होगा, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और उसके कंपैरिजन में बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी, चांसेस ऑफ ब्लॉकेजेस, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा होंगे. आजकल बहुत सारी लैब्स ट्रेडिशनल लिपिड प्रोफाइल के अलावा इन एपोलाइपोप्रोटीन्स का रेशियो भी आपको करके देती हैं. पांचवा रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी. तो ओबेसिटी से हमारा यहाँ पे मतलब है बॉडी में एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन. ऐसा कहा जाता है जितनी ज़्यादा ओबेसिटी उतना ज़्यादा डीरेंज ट्राइग्लिसराइड, उतना ज़्यादा डीरेंज बैड कोलेस्ट्रॉल और उतना ही ज़्यादा चांसेस डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का पुअर कंट्रोल होने का. और इसी के साथ उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री मेच्योर हार्ट अटैक में लैंड अप करने का. अब ओबेसिटी की प्रेजेंस या एब्सेंस को क्वांटिफाई करने के बहुत तरीके हैं. तो इसमें सबसे प्रिमिटिव तरीका है BMI. कहा जाता है कि अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है आप ओबीस हैं. बट स्पेसिफिकली ऐसा पाया गया है कि एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट के इर्द गिर्द इकट्ठी ओबेसिटी, इकट्ठी हो रखी चर्बी, ये ज़्यादा इंडिकेटर होती है हार्ट अटैक के होने का. और BMI के कैलकुलेशन से जो एक्चुअल में हमको नंबर मिलता है दिस मे और मे नॉट एक्चुअली इंडिकेट द एग्जैक्ट रिस्क. एब्डोमिनल ओबेसिटी है या नहीं है ये जानने का एक सिंपल सा तरीका होता है वेस्ट हिप रेशियो. कहा जाता है अगर आपका वेस्ट हिप रेशियो 0.9 से ज़्यादा है इन केस ऑफ मेल्स एंड 0.85 से ज़्यादा है इन केस ऑफ फीमेल्स, देन यू हैव गॉट एब्डोमिनल ओबेसिटी. वेस्ट हिप रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसमें जो हिप का सरकमफ्रेंस है दैट इज कैलकुलेटेड
एट दी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर बटक्स, और इसमें जो वेस्ट का सर्कमफ्रेंस है वो यूजुअली इलिया क्रेस्ट यानी कि आपकी जो कमर की हड्डी होती है उसके आसपास लिया जाता है। छठा रिस्क फैक्टर जो हमारे हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है वो छिपा हुआ है हमारी डाइट। कहा जाता है कि अगर हम अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो इससे हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीनिंग डेली कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज बेनिफिशियल एंड शुड बी स्ट्रॉन्गली कंसिडर्ड। सातवां रिस्क फैक्टर, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन हमारे हार्ट डिजीज के चांसेस को बढ़ा देता है। इससे हमारे ट्राइग्लिसराइड्स डीरेंज हो सकते हैं, इससे हमारे ब्लड प्रेशर डीरेंज हो सकता है, और इसमें हार्ट की वेसल्स में ब्लॉकेजेस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अल्कोहल के हार्ट के असर के ऊपर के बारे में हमने डिटेल में एक और जगह बात की हुई है, लिंक आपको वीडियो कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहा यह गया है कि नो अमाउंट एंड नो टाइप ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर आर हार्ट्स। तो अगर आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं यू आर द बेस्ट, इससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और हार्ट डिजीज से दूर रहना चाहते हैं, इन एन आइडियल सिनेरियो यू शुड स्टॉप कंज्यूमिंग इट। और अगर आप बंद नहीं कर सकते, एटलीस्ट मॉडरेशन में आइए। फीमेल्स शुड नॉट बी कंज्यूमिंग मोर देन वन ड्रिंक पर डे एंड मेल्स शुड नॉट बी कंज्यूमिंग मोर देन टू ड्रिंक्स पर डे। रिस्क फैक्टर नंबर 8, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, ये आपके हार्ट डिजीज के चांसेस को बढ़ाता है, ये आपके हार्ट अटैक में लैंड अप करने के चांसेस को बढ़ाता है। इससे आपके ओबेसिटी के चांसेस बढ़ते हैं, इससे आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं, डायबिटीज के कंट्रोल डीरेंज होने के चांसेस बढ़ते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल भी खराब हो सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हार्ट अटैक के चांसेस को अच्छा खासा कम करती है। तो अगर आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, तो यू शुड स्ट्रांगली कंसिडर डूइंग सम फॉर्म ऑफ मॉडरेट और विगरस फिजिकल एक्टिविटी। रिस्क फैक्टर नंबर 9, स्ट्रेस। स्ट्रेस अपने आप में ही हार्ट डिजीज का प्रीडिस्पोजिशन बढ़ा सकता है। स्ट्रेस कई मैकेनिज्म से हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कहते हैं बढ़ता हुआ स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है आज की तारीख में बढ़ते हुए हार्ट डिजीज के पीछे। तो अगर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। ये टोटल 9 रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अराउंड 90% ऑफ हार्ट अटैक्स के लिए। तो अगर इनमें से आपके पास कुछ भी है जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे आप चेंज कर सकते हैं हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए, डू कंसिडर डूइंग इट। हार्ट अटैक से प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा बहुत आपने जान लिया। 10 पॉपुलर मिथ्स जो हार्ट डिजीज के अराउंड आपने जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल चैट्स में सुनी होंगी, इनका सच जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाके देखो।